आलमी खबरों में आपको बताएं कि वेनेजुएला हुकूमत के खिलाफ बगावत में अमरीका मुलव्वस नहीं है। ट्रंप ने मदोरो हुकूमत का तख्ता उलटने की कार्रवाई में मुलव्वस होने की तर्दीद कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की नाकाम बगावत के पीछे अमरीका का हाथ नहीं है, जिसमें मुबैना तौर पर दो अमरीकियों के मुलव्वस होने का इल्जाम है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं हमले का हुक्म देता तो ये खुला हमला होता। अमरीकी सदर ने कहा है कि अगर हम वेनेजुएला पर हमला करना चाहते तो फिर मैं उसके हवाले से कोई भी चीज खुफिया नहीं रखता और मैं वहाँ एक छोटा सा ग्रुप न भेजता। उन्होंने कहा है कि हम वहाँ जाते और उनका सफाया करते, जबकि वेनेजुएला की हुकूमत और इदारे कुछ नहीं कर सकती थी। चार रोज कबल वेनेजुएला में हुकूमत का तख्ता उलटने और सदर निकोलस मदोरो को पकड़ने की कोशिश नाकाम बना दी गई है और इस साजिश में मुलव्वस दो अमरीकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर आठ अफराद मारे गए थे। वेनेजुएला के सदर ने सरकारी टीवी पर खिताब में ऐलान किया है कि साजिश में दो अमरीकी मुलव्वस थे और इस बात के सबूत के तौर पर उन्होंने दो अमरीकी पासपोर्ट दिखाए और इन अफराद के नाम और तारीख पैदाइश भी पढ़ कर सुनाई है। Mercenario profesional de los Estados Unidos y declarado por él miembro de la seguridad de Donald Trump. Y el señor Luke Alexander Denman, igualmente miembro de la seguridad de Donald Trump.